जय हो शनिदेव। शनि ही मनी है, शनि ही हनी है, शनि ही खुशी है, और इसी शनि से आप डरते हैं। एक बड़ा डर फैला दिया है शनि के नाम से कि शनि ऐसा ना होगा, जैसे मान लो शनि का आपसे सब छीनने के लिए बैठे हैं। अरे भैया, शनि ही है जो देने के लिए बैठे हैं। तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, और ये नक्षत्र परिवर्तन जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये नक्षत्र बैलेंस का नक्षत्र है। कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में बड़ी उथल पुथल चलती है, इसी उथल पुथल में हम बड़े परेशान रहते हैं, डावाडोल डावाडोल ऐसे ऐसे ऐसे। जब हम ऐसे ऐसे होते तो टिक कर नहीं बैठ पाते। अगर हम टिक जाए तो फिर हमारा सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो शनिदेव ना भी राहु के नक्षत्र में थे, और राहु है भैया बदमाश आदमी, आदमी बहुत बढ़िया राहु, राहु ग्रह कह ले, राहु ग्रह जो है तो बहुत बढ़िया लेकिन है बदमाश। अब कहते हैं ना, बदमाश के साथ आप ये उम्मीद करो कि उसके साथ बैठो तो आपको थोड़ी बदमाशी ना सिखाए, ऐसा तो संभव नहीं। तो आप कितने भी शरीफ क्यों ना हो, बदमाश के साथ बैठेंगे तो थोड़ी बहुत बदमाशी तो आप भी सीख ही जाएंगे। तो शनि भी जो थे ना अभी राहु के नक्षत्र में बैठे थे, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो रही थी। साढ़े साथी तो चली रही है। अब शनिदेव जो है ना पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में, और यहाँ पे बैलेंस है। शनिदेव देखिए आपके लिए लग्न में बैठे हुए हैं, और शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन जो है आपके लग्न से ही हो रहा है। शश नामक पंच महापुरुष योग भी है, तो आपके ना कामों में देरी हो रही थी, आपके काम डिले हो रहे थे, आपको देरी का सामना करना पड़ रहा था। शनिदेव का शश योग था, वो भी फल नहीं रहा था, परेशान तो थे आप, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग कुंडली दिखाने आए, गुरु जी कुछ हो नहीं रहा, वीडियो में तो सब अच्छा अच्छा है, हमारे लिए तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। अब शनिदेव जो है ना, अब जब वो गुरु के नक्षत्र में चले गए, एक बदमाश के नक्षत्र से निकलकर एक कहते ना एक मेच्योर पर्सन गुरु के नक्षत्र में चले गए, तो अब गड़बड़ नहीं करेंगे शनि। तो अब आप जैसे ही ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ, वैसे ही ना आपके मन में लड्डू फूटा कि चलो कुछ खरीद लेते हैं, अपने लिए खरीद लें, तो बीवी बच्चों के लिए खरीद लें, पिताजी के लिए खरीद लें। यानी बड़े दिनों से ना पैसे ही नहीं था, पैसा था तो प्लानिंग नहीं थी। तो बड़े दिनों से जो आप सोच के बैठे थे कुछ ले लें अपने लिए, घर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो अब आप वो चीज खरीदते हुए नजर आएंगे। तो भैया थोड़ा सा खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन खर्चे के साथ साथ खुशी बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि जब आप किसी को गिफ्ट देंगे ना तो खुश हो जाएगा। इस समय जो आपकी मन में इच्छा थी ना, पहले औरतें सोच रही थी फीमेल कि पति के लिए कुछ ले लें, बर्थडे आ रहा है, और पति सोच रहे थे कि पत्नी को खुश करने के लिए कुछ ले लें, तो पिताजी को कुछ नया चश्मा दिलवा दें, बच्चों को कोई जूता चप्पल दिलवा दें, बैग दिलवा दें, सोच रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा था। अब हो जाएगा, अब हिम्मत भी आ जाएगी और जुगाड़ भी हो जाएगा। गुरुदेव कहीं ना कहीं से कहेंगे, अरे भाई मेरा ये बालक है, इसको अब तो ले ले, तो बड़ा तरसा है ये, राहु ने जो पैसा परिवार पे लगाना था ना वो इधर उधर लगा दिया। अब आप कामों को थोड़ा सा टालते हुए भी नजर आएंगे। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण, क्यों टालते हुए नजर आएंगे, यानी कि आप कामों को टालेंगे, वक्त पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो ताकत थी ना, आपकी जो एनर्जी थी ना, वो पिछले कुछ महीनों में खत्म हो गई, क्योंकि आप इतना रगड़ रहे थे अपने आप को काम करने के लिए, सफलता पाने के लिए, कि आपने पूरी ताकत झोंक दी भट्टी के अंदर, अपनी पूरी ताकत, सफल फिर भी नहीं हुए। आप की जो बैटरी है ना, जैसे मोबाइल की बैटरी पूरी डाउन हो गई, आप चूस लिया, आपने आपने पूरी मेहनत कर डाली थी, चूस गया। अब मोबाइल की बैटरी जब पूरी 100% डाउन हो जाती है ना, तो 1% आने में भी टाइम लेती है। तो
अब आपकी जो बैटरी है ना वो आपको दोबारा से रिचार्ज करनी पड़ेगी, और जब बैटरी ठंडी हो जाती है ना तो ऐसे ही आप भी ठंडे हो चुके, आलस आ चुका है। अब ये आलस खत्म हो जाएगा क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, तो शनि जल्द ही आपके अंदर ग्लूकोज दे देंगे। ग्लूकोन डी पियो और एनर्जी लो, कहते ना गर्मी में जब थोड़ा पारा डाउन हो जाता तो ग्लूकोज पीते हैं, फट से तैयार हो जाते हैं, तब गुरुदेव ग्लूकोज का काम करने वाले हैं। तो एनर्जी अब आने वाली है, आ गई है कुछ लोगों को। तो अब आपकी बैटरी जो है ना बिल्कुल पावर वाले चार्जर से चार्ज गुरु करने वाले हैं। इस समय में आप थोड़ा सा वक्त बर्बाद करते हुए नजर आए। क्यों वक्त बर्बाद करेंगे? क्योंकि ना एकदम से देखिए पिछला वक्त खराब था, अभी आपको उम्मीद ही नहीं है कि अच्छा वक्त आएगा, थोड़ा सा आप कहेंगे यार रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी धोखा खाया फिर ना धोखा खाने, लेकिन अब वक्त अच्छा है, छोटा मोटा रिस्क ले सकते हो। तो लेकिन कुछ लोग अभी भी कहेंगे यार पहले दो चार दिन देख लें फिर करेंगे, तो इस वजह से आप थोड़ा वक्त बर्बाद कर सकते हैं। कोई इसमें नई बात नहीं, हर व्यक्ति कदम फूक फूक कर रखता है। पिछले कुछ महीनों से जो आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही थी, भाई बहन के ऊपर इनका कुछ भला करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ों में, वैवाहिक जीवन में पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बात नहीं बन रही थी, नौकरी में दिक्कत थी, व्यापार में दिक्कत थी, पार्टनरशिप में दिक्कत थी, हर जगह टेंशन थी। अब आप ना इन्हीं सब चीजों को सही करने में अपनी पूरी एनर्जी निचोड़ कर बैठे थे, बिल्कुल नींबू की तरीके से आपकी शिकंजी बना दी गई, निचोड़ के शिकंजी बना दी गई थी। अब आप में दम ही नहीं बचा था क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने जीवन में चीजों को सही करने के लिए। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जैसे ही शनि ने प्रवेश किया वैसे ही गुरु ने कहा लो बेटा विटामिन सी की गोली है ना, अब मैं तुमको विटामिन सी की गोली देता हूं और तुम फिर से खड़े हो जाओ। अब गोली खाई है तो ऐसा थोड़ा होता है गोली खाते ही आदमी खड़ा हो जाता है, थोड़ा तो घंटा तो घंटा लगता है आराम आने में, थोड़ा तो वक्त लगेगा लेकिन खड़े हो जाओगे। पहले सब कुछ धीमा था तेज हो जाएगा, सब कुछ अब बैलेंस हो जाएगा क्योंकि ये नक्षत्र बैलेंस का है। ऐसे 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 चल रहे थे ना रोड, जैसे जब उबड़ खाबड़ होती है तो क्या होता है, कभी इधर तो कभी इधर, कभी इसके ऊपर तो कभी उसके ऊपर, ऐसे गिरते हो ना बस में गाड़ी में, लेकिन जहां पे रोड बढ़िया आ जाए हाईवे आ जाए तो वहां पे गाड़ी शू चलती है, पता भी नहीं चलता, सब सीधे बैठ जाते हो। अब आप सीधे चलोगे, परिवार में जो कम्युनिकेशन का कमी थी, बात नहीं कर पा रहे थे परिवार वालों से, भैया कोई भी बात हो, अपनों से बात ही नहीं कर पा रहे थे आप पिछले दिनों में, या आपकी बात कोई सुनने को राजी नहीं था। अब बातचीत होगी काम में भी परिवार में, और बातचीत से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बड़े पहले ना पति पत्नी परिवार बच्चों में फंसे थे, हाय इनके लिए कुछ कर ले, हाय इनके लिए कुछ कर ले, पैसा ही नहीं आ रहा, इन्हीं सब में आप परेशान थे, लेकिन अब वो वक्त गया। अब गुरुदेव कहेंगे मैं आ गया हूँ, अब चिंता की जरूरत नहीं है, अब मैं दूंगा तुम्हें। राहु तुम्हें घुमा रहे थे, राहु तुम्हारा बदमाश दोस्त था, लेकिन मैं समझदार इंसान हूं, अब मैं तुम्हें घुमाऊंगा नहीं बल्कि सही जगह पे लगाऊंगा। तो अब ये लाभ का समय है भैया, जब भी ये वीडियो देख रहे हो ना जब से, तब से लाभ ही लाभ है। आपकी मेहनत जो है फलों में बदलेगी, आपकी कम्युनिकेशन का आपको रिजल्ट घर में बाहर नौकरी में व्यापार में हर जगह मिलेगा, दोस्ती यारी में भी मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट प्राप्त होगा क्योंकि सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, शादी हो सकती है, पार्टनरशिप बढ़िया हो सकती है, जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो सकती है शादी या पार्टनरशिप में, कॉन्ट्रैक्ट नए मिल सकते हैं, दसवीं दृष्टि कर्म स्थान पर होगी तो जिम्मेदारियां आएंगी, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपको काम मिलेगा, नौकरी में धन वृद्धि होगी, प्रमोशन भी हो सकता है, आप फेमस हो जाएंगे, आप अपने बलबूते अमीर बनने वाले हैं, कारोबार अपना होगा। अब साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, अब तीसरा चरण जो है ना शुरू होने वाला है अगले साल, देखिए उसके रिजल्ट आपको अभी से मिलने लगेंगे। तो मैं अगर आपको एक बात बोलूं, मैंने आपको अभी सब अच्छा अच्छा बोला कि अब पूरा गया सब अच्छा आ गया, लेकिन सब कुछ पूरी तरीके से अच्छा होने में अभी आपको भैया जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब अच्छा होने की शुरुआत हो चुकी है, ये बात आप जान, अब शुरुआत हो चुकी है, अब दिक्कत है नहीं,
अब कहते हैं ना हाथी निकल गया, हाथी की पूंछ बची है। तो कुल मिलाकर शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है ना, थोड़ी राहत तो लेकर आ ही रहा है, और थोड़ा सा और सब्र कर लो भैया, एक महीने बाद पूरी राहत मिल जाएगी। भागते भूत की लंगोटी काफी जो बढ़िया हो रहा है, आपका मजा ले लो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई साहब हो तो कुछ भी नहीं रहा, पंडित जी तो बस बातें करते हैं, अपना वीडियो चलाने के चक्कर में हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। देखो भैया एक बात तो हम आपको बिल्कुल साफ साफ बोल दें, हम आपको बेवकूफ नहीं बना रहे, सुन लो जरा कान खोल के दोबारा सुनो, हम आपको बेवकूफ नहीं बना रहे, आपको आपके ग्रह बेवकूफ बना रहे। हम तो आपको जानते भी नहीं, लेकिन आपके ग्रह आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो जो ग्रह आपको बेवकूफ बना रहा है उसको सीधा कर ले, सीधा कर लोगे तो बेवकूफ बनाना बंद कर देगा, यानी उसका उपाय कर लो। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा ग्रह कौन सा है जो तुमको आ रहा उल्लू काट रहा है, जो तुमको बेवकूफ बना रहा है, पहले ये तो पता करो। और ये पता करने के लिए तुमको ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा, ज्योतिष भैया इस जन्म में तो ना पढ़ पाओगे, हाँ दो चार दो तीन महीने का कोर्स करके आधे अधूरे पंडित भले बन जाओ, पूरे तो ना बन पाओगे, ये तो हम गारंटी देते हैं। तो इससे अच्छा है खुद ज्योतिष ना बनो, ज्यादा इधर उधर वीडियो ना देखो, किसी एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपनी जन्मकुंडली दिखा के अपना इलाज कर लो, जो ग्रह तुमको बेवकूफ बना रहा है उसका इलाज कर लो, हो गया काम, बस इतना ही करना है। नहीं तो भैया कोई भी हम हुआ या कोई दूसरे पंडित जी जो वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर इंस्टाग्राम, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, कोई आपको पागल नहीं बना रहा, अरे हम आपको जानते भी नहीं तो हम आपको क्यों पागल बनाएंगे, बस आपके ग्रह ही आपको पागल बना रहे हैं। तो इस पागल ग्रहों को सही करने के लिए डॉक्टर चाहिए, और डॉक्टर हैं हम, तो भैया या तो हमारे पास आ जाओ या कोई दूसरी दुकान देख लो, लेकिन चले जाओ, नहीं तो ग्रह आपको पागल बना दे। तो कुल मिलाकर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जून जुलाई के महीने में अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो गुरु के नक्षत्र में जाते ही शनि की जो नौटंकी थी ना वो सही हो जाएगी। अब जैसे अब आप में से आधे से ज्यादा लोग तो जो वीडियो देख रहे होंगे स्कूल गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग स्कूल गए होंगे, आप खुद बताओ जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जब आपका मास्टर जी कमरे में नहीं होते थे, मास्टर जी मतलब अभी क्लासरूम में नहीं है, तो आप कितना हुड़दंग मचाते थे, बताओ मचाते थे कि नहीं मचाते थे, बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मचाते थे कि नहीं मचाते थे, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इसके ऊपर तो कभी उसके ऊपर, कभी ये तो कभी वो, हम भी करते थे, आप क्या हम भी करते थे, लेकिन जैसे ही मास्टर जी आते थे सब चीजें हो जाते थे। और आपकी क्लास में एक दो राहु केतु भी होते थे, मास्टर जी कहते थे किसने शोर मचाया, सब चुप रहते थे, एक बोलता इसने मचाया, फंसा देते थे आप। तो ऐसे ही अब शनिदेव जो हैं वो गुरु के नक्षत्र में चले गए हैं, राहु के नक्षत्र में जो हुड़दंग मच रहा था ना वो खत्म। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा आ गए तो गुंडे साफ, तो ऐसे ही अब देव गुरु बृहस्पति का जो बुलडोजर है वो शनि की कमियों के ऊपर चलेगा और आपको अच्छाइयां देगा। ये सब उदाहरण जो है, इससे मैं कोई राजनीति वाजनीति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए, बस एक जस्ट नॉलेज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी और आप अब मजा लेंगे। नमस्कार।